गुजरात खारियों के नवाही गांव धनी में वेलफेयर फाउंडेशन खैरुल अमल के जेर एहतमाम इज्तमाई शादियों की तकरीब का एहतमाम एक मकामी रेस्टोरेंट में किया गया। तफसीलात अदनान अस्करबट की इस रिपोर्ट में। गुजरात के नवाही गांव धनी में 20 बच्चियों की इज्तमाई शादियां करवा दी गयी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें सम्मान दिया, आपने हमें बेटियाँ समझा, आपने हमें खाना दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नौ बहाता दुल्हन की तकरीबे रुखसती एक मकामी रेस्टोरेंट में रखी गई, जहां पर रिश्ता अजवाज में बंधने वाले जोड़ों के लोहाकीर समेत मोजदीन इलाका ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इज्तमाई शादियों का अहतमाम हैरुल अमल वेलफेयर अरसा 3 साल से जारी रखे हुए है। पहले साल 8 जोड़ों की शादियाँ, दूसरे साल 15 जोड़ों की, जबकि इस साल 20 जोड़ों की शादियों का अहतमाम किया गया। हर दुल्हन को 3 लाख से जायद मालियत का जहेज सामान दिया गया, जिसमें यूरोप से लाया गया सामान भी शामिल था। हैरुल अमल वेलफेयर के चेयरमैन पीर सैयद जाफर हुसैन शाह बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमें 15 साल हो गए ये काम करते हुए, शादियों का जो सिलसिला है इसको 3रा साल है। हर साल मुस्तकीन बच्चियों की इज्तमाई शादियों समेत खिदमत इंसानियत के फर्ज सर अंजाम दे रहे हैं। इंसानियत की खिदमत का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रखा जाएगा। तकरीब में मिंबर कौमी असम्बली सैयद फयाजल हसन शाह, मिंबर सूबाई असम्बली अख्तर खयात और साबक उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद अलियास समेत मौजूदीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मौजूद नौ बेहता जोड़े नहायत खुश नजर आए। आखिर में पीर सैयद जाफर हुसैन शाह बुखारी ने नौ बेहता बच्चियों के सर पर अपना दस्ते शफकत रखा और पिया घर रुखसत कर दिया।